रखा है ताकि आज 26 जनवरी है और 26 जनवरी हमारे लिए सभी लोगों के लिए एक फेस्टिवल की तरह है जो हम सब लोग मिलकर के मनाते हैं। और ये मैं इतने साल हो गया कि 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, आज के दिन अगर देखा जाए तो पूरी मार्केट बंद रहती है। अगर आप मार्केट में जाएंगे पूरी मार्केट बंद है। हम लोगों को भी रहता है कि मतलब आप भी सर बंद कर रखिए क्योंकि सब लोग पूरा बंद है तो कोई बात विवाद ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन हम लोग सिर्फ इसलिए ओपन करके रखते हैं क्योंकि सबसे पहले उसको दो रीजन है। एक तो पहला रीजन ये है कि वो इतने नहीं, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूशन में आता है, कोई हमारा कोई वैसा काम नहीं कि हम कोई सामान बेच रहे हो या कोई वैसा काम कर रहे हो, तो हमारा ट्रेनिंग के पर्पज भी आता है, तो मतलब एक कोचिंग स्कूल में है, तो इसलिए वो ये नहीं बोलते कि नहीं सर आप बंद ही करके रखिए। दूसरी बात क्या है कि हम इसलिए भी नहीं बंद करते क्योंकि हमारे पास जितने सारे बच्चे लोग होते हैं सब लोग बाहर के हैं, इसमें से आधे सौ लोग बाहर के हैं, और जो लोग हैं या कोई आस पास में आ रहे हैं तो उनका सबका यही मोटिव होता है कि मेरा एक एक दिन वेस्ट ना हो और हम सब लोग जो भी सारी ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकें और जल्दी से जल्दी सीख करके अपने घर जा सकें। उसके लिए हम लोग एक एक दिन उनका वेस्ट नहीं करते और उनको पूरा समय देते हैं, टाइम देते हैं, क्योंकि एक दिन छूटना मतलब होता है कि पूरा 8 घंटे छूट जाता है। और 8 घंटे की जो मेहनत होती है काफी बड़ी मेहनत होती है कि मुझे लगता है कि अगर एक दिन कोई काम छूट जाता है तो फिर उसको अगले दिन फिर मेहनत करना पड़ता है। इस क्लास में कई बार ऐसा होता भी है कि कोई बच्चा जब एक दिन 2 दिन के लिए छुट्टी कर लेता है और घर चला जाता है, फिर जब दोबारा आता है तो फिर कहता है सर जी तुमने 2 दिन में इतना पढ़ा दिया। अरे इतना नहीं पढ़ा दिया, हमने नहीं पढ़ा दिया, आप सब लोगों ने मिल करके पढ़ लिया। क्यों पढ़ लिया? क्योंकि आप लोग बिल्कुल सुबह से बिल्कुल नहा धोकर के 8 बजे से खड़े हो जाते हो और 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे से 12 बजे तक, और हमने 8 बजे से लेकर 6 बजे तक का पूरा इको सिस्टम ऐसा कर दिया है कि 8 बजे से लेकर जो 6 बजे तक क्लास चली कि बीच में कोई फाउंडेशन नहीं है, बीच में कोई छुट्टी नहीं है, जाना नहीं है, क्लास छूटेगी नहीं। अगर नहीं बच्चा, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग भूल जाते हैं कि सर मेरा क्लास यहाँ भी है, तो उनको हम खूब बुलाते हैं कि चलो ठीक है आप अपनी क्लास में आ जाओ। और जब अच्छा क्लास में डेली डेली बाय डेली डेली बाय डेली अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो जाहिर सी बात है सब चीजें टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है और काफी चीजें हो भी जाती हैं। ठीक है, आज सबसे पहली बात क्या है, सर्टिफिकेट का भी प्रोग्राम है जिसमें से बहुत सारे बैच के बच्चे लोग चले गए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो बचे हुए हैं जिनका आज सर्टिफिकेट की वजह से कि आज 26 जनवरी को उनका सर्टिफिकेट हो जाएगा और एक हमारे लिए यादगार हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात क्या है कि सभी लोगों के लिए 26 जनवरी के लिए बहुत सारी विशेष, और जो भी लोग मेरे पास सीखने के लिए आए हुए हैं आप लोग अच्छे से सीख करके जाएंगे और पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से अच्छे से सीख करके जाएंगे ताकि कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि सीखने सिखाने में दोनों लोगों की हेल्प होनी चाहिए। कहते नहीं एक हाथ से जिंदगी में कभी ताली नहीं बजती, दोनों हाथ को एक साथ मिलाना पड़ता है तभी ताली बजती है। मतलब क्या होता है, सीखने सिखाने वाले जब दोनों लोग मिलते हैं, दोनों को लोगों का व्यवहार मिलता है, दोनों लोगों का आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तभी एक दूसरे के अपने नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं तुमको कोई जबरदस्ती सिखाऊं तो मैं कभी नहीं सिखा सकता, अगर आप चाहो कि हमसे जबरदस्ती कोई चीज को सीख लो तो भी नहीं सीख सकते। हम लोग एक दूसरे को अपनी नॉलेज को तभी ट्रांसफर कर सकते हैं कि जब हमारे तुम्हारे विचार एक दोनों के कनेक्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कनेक्ट होने चाहिए, कि आप जैसे एक ही भाव से आए हो कि नहीं सर हमको सीखना है और हमारा सिर्फ एक ही भाव है कि हम आपको सिखाते हैं। अच्छा, उस सिखाने के दौरान हम कई बार आप लोगों से चिल्लाते भी हैं, आपको डांटते भी हैं, आपको समझाते भी हैं, सिर्फ हमारा डांटने का ओपिनियन यही होता है कि कोई चीज कभी किसी बच्चों को नहीं समझ में आती तो मैं ये नहीं सोचता कि उसके अंदर कोई कमी है, उससे कमी नहीं है, क्योंकि ये स्टूडेंट लाइफ में सबके साथ में होता है कि हमेशा कोई चीज याद रखता है। हमारे एक सर थे, वो लोग हमारे सर एक कहते थे, बहुत अच्छा एग्जाम्पल कहते थे, कहते ऐसा जिंदगी में कोई ऐसा इंसान ही नहीं जिससे गलती ना हो, और जो गलती नहीं होती वो भगवान के कैटेगरी में आ जाता है, और जो भगवान की कैटेगरी में आ जाता है उसकी जगह नीचे है ही नहीं, उसकी जगह ऊपर है, वो आदमी ऊपर चला जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग इंसान हैं तो सबसे छोटी ना छोटी गलती होंगी, तो हो सकता है कि कोई मेरे से भी ऐसी गलती हो गई हो या जाने अनजाने में आप लोगों से गलती हो गई हो, तो एक दूसरे को गलतियों को अपनी माफ करेंगे और एक अच्छी तरीके से सीख करके जाएंगे ताकि आप अच्छी तरीके से काम कर सकें। अच्छा, ये काम हम लोगों ने इसलिए सीखा है ताकि इस पर हमारी लाइफ डिपेंड होने वाली है, ऐसा कोई 2-4 दिन का कोई कोर्स नहीं है। हाई स्कूल इंटर से भी बड़ी बात है कि हाई स्कूल इंटर के बच्चे का अगर पेपर अगर छूटता है ना, लेट होता है, तो सबसे पहले भाग के जाता है कि यार मेरा पेपर नहीं छूटना चाहिए, और उसके साथ में अगर कहीं पेपर छूट रहा होता है तो और भी 2-4 लोग होते हैं वो भी मदद करने के लिए खड़े हो जाते हैं कि भाई इसका पेपर नहीं छूटना चाहिए, इसको स्कूल कैसे कैसे भेजो। और हम लोग जब ये सीख रहे हैं तो ये उससे भी बड़ी चीज़ है। क्यों बड़ी चीज़ है? क्योंकि आज मैंने हाई स्कूल है इंटर कर लिया, वो हमारी मार्कशीट डिग्री है, वो हमारे ऐसे घर पर रखी हुई है, हमारा काम क्या आने वाला है, हमारा हुनर काम आने वाला है। ये आदमी की जो एक लाइफ है, इस समय का जो जीवन है, इस समय का दौर है, इस समय की उम्र है, वो कैसी उम्र है? बिल्कुल स्टैंड होने की है। स्टैंड का मतलब खड़े होने की जरूरत है। कहते नहीं दो ही जगह पर आदमी खड़ा होता है, वहां पर आदमी के सहारे की बहुत जरूरत होती है।
एक तो जब आदमी अपना काम जमाए उस समय पर, दूसरा जब बच्चा खड़ा होता है। तो जब बच्चा खड़ा होता है तो माँ बाप उसके आगे पीछे बड़े सब उसके आसपास रहते हैं। क्यों रहते हैं? कहीं गिर ना जाए, कहीं सिर ना फट जाए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। क्यों? इसके सहारे की जरूरत है। तो आज आप लोगों को भी सहारे की जरूरत है कि आप लोग अच्छे से सीख करके खड़े हो सके। जितना बेहतर तरीके से सीखेंगे उतना बेहतर तरीके से भविष्य में काम करेंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। तो सब लोग अच्छे तरीके से सीख करके जाएंगे, बढ़िया तरीके से काम करेंगे। और जो लोग सीख करके जा रहे हैं, जो लोग सीखने वाले हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि तो अच्छी तरीके से पूर्ण ही सीख करके जाएं। दूसरी बात क्या है कि सीखना सिखाने में हो सकता है कि कोई कमी रह गई हो, कोई परेशानी रह जाए, कोई दिक्कत आए, तो कभी भी भविष्य में, या हो सकता है कि आज तक तो आपने सीख लिया, कल को कोई नई चीज आ जाती है तो भी आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। आप अपना इंस्टीट्यूट है, आप आ सकते हो। क्योंकि हमारा ये मानना है कि हमारा कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होना चाहिए, सफलता पूर्वक काम करते रहना चाहिए। अगर मैंने इस लाइन में 17-18 साल बिताए हैं, अपने बच्चों को ट्रेनिंग दिया है, बच्चों को सिखाया है, तो सिर्फ हमारा एक ही मोटिव है कि हमारा बच्चा सीख करके जाए और सफलता पूर्वक काम करे, उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? तो आप लोग अच्छे से सीख करके जाएंगे। तो आज हमारे पास सबसे पहली बार नरेंद्र कुमार आएंगे। नरेंद्र कुमार जाइए। तो ये नरेंद्र कुमार जी हैं और इनका भी पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। और नरेंद्र जी को समथिंग अगर देखा जाए, नरेंद्र जी पहले मेरे पास समथिंग उनको 8 महीने हो गया ना, जुलाई हाँ जुलाई से मेरे पास आए थे। तो बीच में इनकी तबीयत खराब हो गई, तो तबीयत खराब होने की वजह से घर चले गए थे। घर जाने के बाद फिर अपना बाद में फिर आए, और आने के बाद मतलब अपने पूरे कंप्लीट कोर्स किया। जब इन्होंने कोर्स मेरे पास स्टार्ट किया था तो मात्र इन्होंने 2 से 3 दिन 4 दिन क्लास करी थी, 3 दिन क्लास करी थी। 3 दिन क्लास करने के बाद फिर चले गए थे। इसलिए चले गए थे क्योंकि थोड़ी सी बीमारी हो गई थी, परेशानी हो गई थी, फिर घर गए। फिर इन्होंने वापस आए और अच्छी तरीके से अपने कोर्स को कंप्लीट किया। आज सीख करके अपना बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही है। तो नरेंद्र जी का ये सर्टिफिकेट है, मुझ सर आप आ जाइए पास में। तो ये नरेंद्र जी का सर्टिफिकेट है। तो नरेंद्र जी का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। नरेंद्र जी आप अपने बारे में बताइए, क्या क्या सारी चीजें सीख लिए और आगे सीखने बाद आपका प्लान क्या है, आगे करना क्या है, आगे वर्किंग क्या है अपनी, बताइए सर। सर मैं यहाँ पर आए हुए सभी मतलब स्टूडेंट और टीचरों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर मेरा नाम नरेंद्र कुमार गुप्ता है। सर मैं फतेहपुर जिला प्रॉपर फतेहपुर जिला का हूँ, लेकिन रहता ज़्यादातर मैं बांदा जिले में हूँ। सर मैं जब यहाँ पर आया था तो मैं बिल्कुल मतलब मैंने बेसिक से एडवांस तक सीखा है सर। सर मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से किया है। सर मेरे से भी सर कुछ गलतियाँ हुई हैं कि जिन्हें सर मैं चाहूँगा कि टीचर लोगों से माफ़ी मांगता हूँ उस बारे में। मैंने सर रूम पे भी रह के और सर इंस्टीट्यूट में भी रह के कुछ गलतियाँ की हैं अपने लिए सर, जिनके बारे में मैंने बाद में सोचा भी है, तो उसके लिए मैं सब लोगों से पहले माफ़ी मांगता हूँ। तो सर पढ़ाने में तो सर आप लोग लाजवाब हैं। आप हों, मोहित सर हों, अमित सर हों, अमित सर तो पूरा पेरेंट्स लोगों का अभी मतलब की तरह जो है अपना ख्याल रखते हैं। और सर मैं सब लोगों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। तो सभी लोगों के साथ में ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है, तो सब लोगों के साथ में ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि ऐसी परेशानी होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है, गलतियां सबसे होती हैं। गलतियां होती है तो एक दूसरे को माफ किया जाता है और उसी को लेकर के फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो नरेंद्र जी आप अच्छी तरीके से काम करिए। काम करने के बाद अगर कोई समस्या कोई प्रॉब्लम आए तो आपको हमेशा से हमारी तरफ से मदद मिलेगी, कोई टेंशन कोई बात नहीं। हमारे रिश्ते अभी खत्म नहीं हुए, हमारे रिश्ते अब शुरू हुए हैं, ताकि हम लोग जिंदगी भर जुड़े हैं। क्योंकि हमेशा जिंदगी में दो चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को एक दूसरे का कभी जिंदगी में बुरा नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं बुरा मानना चाहिए? एक तो पहली बात तो माँ बाप का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो चाहे तुमका कितना भी ठोंक बजा दें उनको कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। दूसरी बात क्या है, जो तुम्हारे गुरु उस्ताद हैं, जिन लोगों ने तुमको पढ़ाया है, सिखाया है, आगे बढ़ाया है, उनकी भी बातों का कोई बुरा नहीं मानना चाहिए।
क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि आपके भले के लिए ही कहते हैं, आपके फायदे के लिए कहते हैं, ठीक है? ताकि चाहते हैं कि आप अच्छी तरीके से करके जाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि जिंदगी में टीचर का कभी कोई नाम नहीं होता, उसका तभी नाम होता है जब उसका बच्चा सफल हो जाता है ना? कहते हैं रोड सड़क का कभी नाम नहीं होता, लेकिन रोड का नाम तब होता है कि जब उस पर लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो हम लोगों का नाम आगे बढ़ेगा जब आप सफल हो गए और अच्छी तरीके से आप काम करोगे, ठीक है नरेंद्र जी? तेरे को यार मेरा वीडियो बनाएंगे सर। दीपक कुमार जी हैं और इनका जो जगह पड़ती है कन्नौज से, का ना? कन्नौज से, कन्नौज तिरवा से पड़ते हैं। तिरवा कन्नौज के जितने लोग होते हैं वो सीधे बहुत होते हैं। दूसरी बात क्या होता है, बोलने में भी ज्यादा नहीं कि मतलब वो ज्यादा बोलते हैं, लेकिन काम में नंबर एक के होते हैं। काम का मतलब क्या होता है कि जो भी काम होता है अपना शांति तरीके से करते हैं। मेरी क्लास में बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो लोग सीखते हैं, कुछ तो बहुत बोलते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी मेरी टांग अगर कोई खींच रहा है तो खींचने दो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, नॉलेज अपनी नहीं खींचने देते हैं, नॉलेज को अपनी तरफ खींचते हैं और अच्छी तरीके से काम करके जाते हैं, सीख करके जाते हैं, ठीक है? बेशक वो शांत प्रिय होते हों, लेकिन वो बाद में अपना फाइनली मुझसे पूछते हैं कि सर, खुद मुझसे पर्सनली मिलते हैं कि सर मुझे ऐसी समस्या आ रही है, ऐसी समस्या आ रही है, वो शेयर करते हैं। और उसके लिए ऐसा होना भी चाहिए कि क्योंकि सभी को स्वभाव कहते हैं, उंगली में पांच होती है ना, पांचों कभी बराबर नहीं होती, कोई तेज होता है, कोई स्लो होता है, लेकिन जो स्लो है उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। और कभी कोई परेशानी आए तो अपना पर्सनली बात करे, कोई दिक्कत आए तो पूछे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दीपक जी भी ऐसे ही हैं। दीपक जी ने जब कोर्स ज्वाइन किया था, कम से कम समथिंग इनको 3 महीने हो गया। दूसरी बात क्या है, अपनी फैमिली से जुड़े हैं, फैमिली के बंदे हैं, परिवार को भी देखना है, उसके साथ साथ में सीखना है, तो इन्होंने बहुत मेहनत करी क्योंकि यहाँ पर रह करके सीखा इन्होंने। दूसरी बात क्या है, अपने घर परिवार को भी देखते थे, बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको भी छोड़ने जाना है और सबको भी देखना है, फिर बात और घर में खेती किसानी का भी काम होता है उसको भी देखना है, और घर में सब कुछ जो देखने वाले हैं सर्वे सर्वा यही है। तो जब सब कुछ एक ही आदमी के ऊपर जिम्मेदारी होती है और उसको अपने घर को भी देखना है, परिवार को भी देखना है, काम भी देखना है, दूसरी बात उसको काम भी सीखना है, ऐसे टाइम पे अगर जब कोई चीजें सीख करके खड़ा होता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास समय नहीं होता, समय का बहुत बड़ा अभाव होता है। समय का बहुत बड़ा अभाव होने के बाद भी अगर इन्होंने सीखा है तो इस चीज के लिए इनके लिए बहुत सारी क्लैपिंग बनती है और इन्होंने बहुत। तो दीपक जी, आप सर आप अपने बारे में बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे और आपने ट्रेनिंग के लिए कैसे सोचा? सर मैं सुबह कन्नौज का रहने वाला हूँ, मैं वो फोटो कापी की दुकान ऑनलाइन काम करता हूँ। तो ये काम सीखने के लिए कैसे आपने सोचा सर? सर वो धीरे धीरे उसका क्रेज थोड़ा कम होता चला जा रहा, फोटोकॉपी का काम क्रेज। तो कितने साल से आपकी दुकान चला रहे हैं? 4 साल से। 4 साल से दुकान चला रहे हैं। तो ये काम सीखने को आपको किसने सलाह दिया या आपने अपने मन से खुद सोचा? सर खुद ही सोचा। खुद से सोचा। तो आप फैमिली वाले बंदे हैं, परिवार की सारी जिम्मेदारी है और खेती में आलू का काम सारा सब कुछ होता है, सब कुछ यही देखने जाते हैं, सब चीज के लिए कहते नहीं है, लगाने से लेकर के निकालने तक का सारा काम इन्हीं का है, सब कुछ पूरी मेहनत है। और इन्होंने ठंड में आकर के इतनी मेहनत करके सब चीज सीखा कि बीच में ऐसी दिक्कत होती है, रात में घर चले जाते थे। समझ लीजिए, इन्होंने बताया एक बार मुझे बोला कि सर मैं शाम को क्लास करने बाद घर गए और घर जाने में मैंने कहा कि कल सुबह आ जाऊंगा, मैंने कहा जब इतनी ठंड है तो क्यों जा रहे हो? क्लास करने बाद घर गए, अपना काम किया, रात भर नहीं सोए, मेहनत किया, फिर उसके बाद अगले दिन क्लास में आए। तो ये सबसे बहुत बड़ी बात है क्योंकि यही एक समय है, यही एक दौर है जिस समय पर इन्होंने सीखा है। फोटोकॉपी का काम करते थे, फोटोकॉपी काम करने के बाद आज इस काम को भी जब आप ऐड करोगे ना, तो दीपक जी मैं आपको बताऊं, आपको 100% आपको बेनिफिट मिलेगा और मेरी तरफ से आपके लिए बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा, अच्छी तरीके से करके जाएंगे। कभी कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत आए तब भी हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, आप आ सकते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, उस चीज को सीख करके अच्छी तरीके से कर सकते हो, ठीक है दीपक जी? के लिए और
जय प्रकाश जी हैं और ये इनका रहने वाले हैं बरेली से। तुम्हारा बरेली पड़ता ना? डिस्ट्रिक्ट रामपुर बरेली। हाँ डिस्ट्रिक्ट रामपुर बरेली। और इनके भी बारे में आपको बताना चाहता हूँ, इनका भी मतलब मोबाइल फोन रिपेयरिंग का पूरा कंप्लीट कोर्स हो गया है। दूसरी बात क्या है कि ये ऑलरेडी पहले से कहीं जॉब करते थे और उत्तराखंड में न उत्तराखंड में ये जॉब करते थे। जॉब करने के बाद इन्होंने मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स सीखा। कोर्स सीखने के बाद अब अपना काम स्टार्ट करेंगे और इन्होंने जॉब को छोड़ दिया। जॉब इसीलिए छोड़ा कि कितने साल तक जॉब करेंगे, साल दो साल तीन साल चार साल हो गए जॉब करते करते, अब अपना ही बिजनेस करना है, अपना सेल्फ काम करना है। तो इन्होंने सोचा अपने लिए लैपटॉप लिया। कोर्स सीखने से पहले इनको ये पता था कि मुझे सॉफ्टवेयर का भी काम सीखना है तो वहाँ पर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन्होंने लैपटॉप लिया। लैपटॉप लेने के बाद फिर कोर्स इन्होंने ज्वाइन किया और सीख करके आज अपना अच्छी तरीके से काम करेंगे जा करके। तो आप अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम जयप्रकाश है, मेरा गांव का नाम है पिपलिया जनगर, तहसील बिलासपुर, डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी। मैं 2010 में इंटर कर रखा है मैंने, उसके बाद मैंने डिप्लोमा किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से 2013 में। उसके बाद मैंने दो साल जॉब की। जॉब करने के बाद गुड़गांव में प्लेसमेंट हुआ मेरा। प्लेसमेंट होने के बाद पापा ने जॉब छुड़वा दी। फिर मैंने अपना बिजनेस किया दिल्ली में प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग का, जो बिस्लरी की बोतल आती है। उसके बाद 2016-17 में GST लगी, नोटबंदी लगी, उसमें मेरा हो गया घाटा। फिर मैंने वो काम कर दिया बंद। उसके बाद मैं 2018 में रुद्रपुर आ गया, शिफ्ट हो गया फिर जॉब के लिए। फिर वहाँ मैंने जॉब की 3-4 साल। उसके बाद मुझे लगा, मेरे दोस्त एक करता था दुकान मोबाइल की, तो वो शुरू शुरू में तो ऐसी टाँका माका लगाता था। उसके बाद उसका बिजनेस अच्छा खासा स्टार्ट हो गया। फिर मैंने कहा मुझे सिखा दे, तो मुझे वो बनाने लगा बातें कि ये अच्छा नहीं है ये हुआ। मगर मैं 1-2 घंटे बैठता था तो मुझे लगा कि हाँ इसमें भविष्य है, अब क्रेज भी इसका बढ़ता जा रहा। तो मैंने अपने आप से मैंने देखा यार जॉब में तो कुछ नहीं है, अब अपना बिजनेस करते हैं, कोई ऐसी लाइन पकड़ो जो आगे के लिए जिससे तरक्की हो। फिर मैंने सर के वीडियो देखा, फिर और भी वीडियो देखता था, तो मुझे लगा हाँ कि ये स्टूडेंट बढ़िया है। तो मैंने फिर सर से बात की, फिर उसके बाद मैं यहीं आ गया। अब मैं अच्छा सीख के जा रहा हूँ, उसके बाद अपनी शॉप खोलूँगा रुद्रपुर में, उत्तराखंड में। गेन किया हुआ है। कहते नहीं, जब आदमी घर से बाहर निकलता है, परेशानियों को लेता है, चार चीज़ों को देखता है, तब सर वो चीज़ सीखने के लिए कोशिश करता है। तो सर ने सीखा है, बहुत अच्छा सीखा हुआ है। और अगर कभी कोई कमी रह जाती है, कभी कोई परेशानी रह जाती है, कोई दिक्कत रह जाती है, तो आप फ़ोन से हेल्प ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या खुद आ सकते हैं, उसके लिए कभी परेशान होने वाली बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, जब आदमी काम सीखने के मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। मेरे पास अभी ऑलरेडी क्लास कर रहे हैं और ये सर महाराष्ट्र से रहने वाले हैं। और जब इन्होंने मेरे पास मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया था, तो ऑलरेडी गवर्नमेंट से रिटायर हैं और कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन सर का एक खुद का अंदर का जुनून है कि जिन्होंने ये सोचा कि मैं टेक्निकल लाइन से जुड़ा हूँ, मेरा इस चीज़ का हॉबी है, मेरा आप सर जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, क्या क्या सारी चीज़ें सीख रहे हैं, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, डिस्ट्रिक्ट कॉल इच्छा थी और उसमें हॉबी भी थी। मैं मोबाइल पे यूट्यूब देखता, लेकिन आदरणीय सर श्री अवस्थ सर जी का लेक्चर मुझे बहुत पसंद आया करके मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि मुझे सीखना है। वो बोले कभी भी आ जाओ, यहाँ आपकी
कोऑपरेट करेंगे। यहाँ का माहौल भी अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। एक अनजान जगह से यहाँ तक आने में मुझे परेशानी कोई भी नहीं हुई, और यहाँ मैं करीबन 27 दिन रह रहा हूँ, मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। मुझे टीचर लोगों ने भी बहुत कोऑपरेशन किया और करेंगे भी आगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो देखने वाले या इंस्टीट्यूट का नाम सुनने वाले जरूर ये फील्ड में जिनको टेक्निकल नॉलेज सीखने की इच्छा है वो इंस्टीट्यूट को जरूर ज्वाइन करेंगे और करें भी। जनवरी की मुबारकबाद। फौजी सब लोग बनना चाहते होंगे, कुछ लोग फौजी बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, मैकेनिक बनने हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो फौजी बन गए हैं उनके लिए वो अपनी पत्नी बच्चे छोड़कर बॉर्डर पे तैनात है हम लोगों की सुरक्षा करने के लिए, तो हमारा भी थोड़ा सा फर्ज है कि उनके सम्मान में दो लाइनें कह दी जाएं। फौजी चल जाता है जब युद्ध पे तो कहता है अपनी बीवी से कि बांध कफन में चल देता हूँ, बांध कफन में चल देता हूँ, लौट कर आऊँगा वचन देता हूँ, जंग छिड़ी है मुझे जाना होगा, जंग छिड़ी है मुझे जाना होगा, दुश्मन से मेरा आमना सामना होगा, नहीं लौटा तो रोना नहीं, मेरे आंखों में आंसू आ गए, नहीं लौटा तो रोना नहीं, मेरी तन्हाइयों में तुम खोना नहीं, मेरे बेटे को तुम फौलाद बनाना, देश के काम आए ऐसी औलाद बनाना। ये मेरे को रोना आता नहीं, वो मेरे पापा नहीं, इसलिए मैं रो रहा, आंसू आ गए।